नमस्कार दोस्तों, आज अपन पैरेलल डबल डेल्टा कनेक्शन कैसा करने का है वो सीखेंगे। इसके पहले हमारे वीडियो आप लोग देखा होगा, वो डबल डेल्टा कनेक्शन था। अभी ये पैरेलल डबल डेल्टा कनेक्शन, मतलब अभी अपन सीरीज कनेक्शन मारता है और पैरेलल कनेक्शन मारता है, वैसे ये एक पहले जो अपन दिया था सीरीज कनेक्शन में डबल डेल्टा, उसमें जंबर आता है। अभी ये जो कर रहा है ये पैरेलल डबल डेल्टा, इसमें जंबर नहीं रहेगा, विदाउट जंबर का जितना भी उसका सीरीज है सब लीड में जाएगा, एक भी जंपर नहीं रहेगा। और वो कनेक्शन कैसा करना है वो अपन अभी सीखेंगे। तो उसके पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और बाजू वाला बेल बटन भी क्लिक कर देना। और हमारे वीडियो पसंद आया रहेगा तो आपको दोस्त लोग से भी शेयर कर लेना और लाइक करना और कमेंट करना। चलो अभी आइए वीडियो पे जाएंगे। ये आप देख रहे हैं, देखो इसमें कैसा कनेक्शन आ रहा है, एक एक लीड में भी चार चार आ रहा है, इसी तरह छह लीड में भी ऐसे ही रहेगा। तो वो कैसा कनेक्शन करना है मैं इसके बाद में डायग्राम पेपर में दिया हूँ, उसको देख लेंगे। उसको पहले ये वीडियो ज़रा देख के जो समझ में आता है वो समझ लेना, उसके बाद में पेपर वाला डायग्राम देखेंगे। मैं इसमें पेपर में लिख के बता रहा हूँ, आपको दिखने में नहीं आ रहा है इसलिए वो मैं उसके बारे में समझा के फ़ायदा नहीं है, तो मैं वो कल ही सिर्फ वीडियो अपन देख लेंगे। तो मैं पेपर में जब लिख के बताऊँगा तो समझ में आ जाएगा। तीनों पेज का ऐसे ही डायग्राम करना है, एकदम सिंपल ही है लेकिन थोड़ा समझ के लेगा तो एकदम आसानी हो जाएगा। क्योंकि इसको कैसा कॉइल डालने का वो तो आपको मैं इसके पहले जो वीडियो दिया है उसमें आपको दिखाया है, क्योंकि एक एक कॉइल का अंदर से चार छेड़ा निकलना है, दो स्टार्ट और दो एंड, एक ही वाइंडिंग के ऊपर कॉइल बनाने के बाद में उसके ऊपर ही दोबारा और एक कॉइल बनाने का, सेम जितना भी टर्न्स है उतने ही सेम टर्न्स डाल के और एक कॉइल बनाना है। तभी दो स्टार्ट और दो एंड मिलेगा अपने को। तो ये कैसा करना है वो मेरा पुराना वीडियो आप देखेंगे तो वो आपको समझ में आएगा। वो भी वीडियो मैं ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो भी आप देख लो। वो इजी आसानी रहेगा। देखो अभी कनेक्शन हो गया है, सब में चार चार छेड़ा आया है। अब ये चार चार छेड़ा कैसा निकालना है कैसा बनाना है वो मैं अभी पेपर में डायग्राम करके दिखाता हूँ, वो देखेंगे। देखो दोस्तों अभी ये छह कॉइल अपन बना रहा है, ये देखो ये छह कॉइल का सिंगल सिंगल कॉइल है, देखो ये अभी ये सिंगल कॉइल है,
अभी ये तीनों तीन कलर गए दिया हूँ। देखो ये पहले जो किया उसको एक नंबर मार्किंग करने के, क्योंकि कन्फ्यूज नहीं होना मुझे। अपना हर एक स्लॉट में डबल डबल कॉइल डाला है तो वो एक स्टार्ट एक एंड दोनों में भी रहेगा, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना मुझे। इसलिए फर्स्ट कॉइल सेकंड कॉइल मार्किंग करके लेना है। मार्किंग करके लेने के बाद उसके साथ में सेकंड कॉइल भी अपन बनाएगा। अभी देखो ये सेकंड कॉइल, देखो उसको दो नंबर मार्किंग दे दो। ये दो नंबर दे देने का है। ये सभी कॉइल को ऐसे इसी तरह करने के बाद में जंबर कैसा करना है वो देखना है। इसको जंबर नहीं आएगा, सबको सब लीड में आ जाएगा। देखो हो गया है। अभी इसको अपन क्या करने का है, देखो जहाँ से शुरुआत है उसको वन नंबर को, मतलब पहले वाला जो कॉइल किया है उसको क्या देना है और दो नंबर पे क्या देना है। देखो टॉप बॉटम कनेक्शन आता है। अब ये समझो नॉर्मली अपन टू पोल का वाइंडिंग करेगा पैरेलल कनेक्शन टॉप बॉटम होता है, वैसे ही टॉप बॉटम है। देखो ए वन वन टू फोर में टॉप ए वन, और जो उसका एंड होता है ए वन का जो एंड होता है ए टू, और वन टू फोर में भी सेम ए टू हो गया टॉप बॉटम। और उसको ए वन के बाद में उसके बाद में सेकेंड कॉइल जो है उसको ए थ्री मार्किंग देना है। देखो इसी तरह है ए टू और ये ए फोर। देखो ए फोर और टॉप बॉटम पैरल हो गया, ए थ्री टॉप बॉटम पैरल हो गया। इसी तरह कनेक्शन पैरल में आएगा। अभी एक कॉइल छोड़ के दूसरा फेस, फिर उसको बी वन इसका जो एंड होएगा बी टू। ये नॉर्मली अपन करता है इसका वन टू फोर टॉप बॉटम। अभी ये बॉटम है और ये टॉप बी वन, इसका जो एंड है बी टू। अभी इसके बाद में ये बी फोर, फिर देखो ये टॉप बॉटम बी थ्री और ये सब बी फोर। समझ लो ये जितना भी है कनेक्शन अपने को पैरेलल कनेक्शन जो नॉर्मली अपन पैरेलल कनेक्शन करता है वही मेथड है। सी वन सी टू ये सी थ्री सी फोर। अभी वन टू फोर में टॉप बॉटम सेम कनेक्शन सी वन सी टू। देखो दोस्तों अभी हो गया कनेक्शन। अभी इसको अपन कैसा लीड में लाना है, कुछ नहीं है। अभी ए वन और ए वन दोनों पैरेलल ऑलरेडी हो गया है, और ए वन पैरेलल है तो अभी उसके साथ में अपन ए वन के साथ में अपन डेल्टा करने के लिए क्या किसको मिलाता है ए वन सी टू। वही सेम मेथड है, ए दो ए वन है ऐसे दो सी टू भी है, उसको चारों को मिलाना है। देखो सी टू, वो सी टू नहीं मिलाना है, इसमें उल्टा होगा, क्योंकि ये सी टू आप मिलाएगा दो पार्ट जैसा हो जाएगा, दोनों अलग अलग कंटिन्यूटी मिलेगा। अभी इसमें क्या है, जितना भी लीड वायर है सभी को कंटिन्यूटी मिलना चाहिए, इसको बोलते डबल डेल्टा। तो अभी उसको अपन क्या करना है, ए वन सी फोर बी वन ए फोर ए एल टू लीड नंबर टू। अभी ये सी वन बी फोर ए लीड नंबर थ्री। अभी इसके बाद में उसमें क्या आता है वन टू थ्री और सेवन एट नाइन ऐसा आता है। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं इसको, देखो ये मेरे से छोटी सी गलती हो गई इसलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसको बाजू में दूसरा मैं आपको करके देगा, थोड़ा कन्फ्यूज हो गया था मैंने। देखो अभी ए वन हो गया, अभी ये ए थ्री उसके साथ में सी टू ए एल सेवन। इसी तरह अपन कनेक्शन करेगा तो सभी लीड वायर कंटिन्यूटी मिलेगा। और दोस्तों इसको बोलते हैं पैरेलल डबल डेल्टा। देखो कैसा किया हूँ और देख लो, और इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा डाउट रहेगा तो आप कभी भी मेरे से पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया रहेगा तो आपको सब्सक्राइब करो और लाइक करो शेयर करो
और ज़रूर कमेंट में कुछ जो है बता देना। थैंक यू।